उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां चिन्हट थाने में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये वीडियो क्लिप लॉकअप के अंदर का है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक युवक जमीन पर लेटा हुआ है। उसकी हालत देखकर वहां मौजूद दूसरा युवक उसकी पीठ सहलाता है। वहीं लॉकअप के गेट पर बैठे हुए युवक ने पानी की बोतल दी, जबकि दूसरे ने पहरे पर खड़ी महिला कांस्टेबल को सूचना दी, जिसके बाद महिला कांस्टेबल ने ड्यूटी मुंशी को सूचना दी। हालांकि इसके बाद क्या हुआ, मोहित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया या नहीं, परिजनों का आरोप है कि मोहित के साथ लॉकअप में मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन जब थाने पहुंचे तो उन्हें मोहित से मिलने भी नहीं दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय चौहान और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। यूपी की राजधानी लखनऊ की पुलिस की हिरासत में फिर एक मौत हुई है। मृतक की पहचान 32 साल के मोहित पांडे के रूप में हुई है। मोहित और उसके भाई शोभाराम को चिन्हट थाने की पुलिस ने शुक्रवार को देर शाम हिरासत में लिया था। पुलिस का कहना है कि रात में अचानक मोहित की तबीयत खराब हो गई और उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मोहित के परिजनों का आरोप है कि मोहित की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है और मौत के बाद उसे अस्पताल लाया गया था। फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर लखनऊ का माहौल गर्मा गया है। मोहित के परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और चिन्हट कोतवाल के खिलाफ कड़े एक्शन के साथ मामले की न्यायिक जांच की मांग की। हालांकि इस दौरान परिजनों को अस्पताल से हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इस घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया। तारीख 26/7/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई। अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ का ये मामला है? ये मामला है देवा रोड का है। देवा रोड का मामला है, जैनाबाद का, चिन्हट थाने की बात है। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए। किस मामले में लाए थे? 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? जिसने, अरे पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। उसको ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधवत मरवाया, ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल, लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मर गया। दूसरा भाई कहाँ है? दूसरा भाई अभी कोर्ट में हुआ था, हम लोग पता नहीं, अभी पता नहीं लग रहा कहाँ लग रहा है। नहीं, देखने नहीं दिया, देखने नहीं दिया। मृतक की मां ने लखनऊ के चिन्हट कोतवाली के इंस्पेक्टर सहित अन्य लोगों पर FIR कराई है। उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को किसी नेता के इशारे पर पूरी तरह पीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। FIR में बताया गया है कि 25 अक्टूबर को उनके बेटे मोहित पांडे का लोलाई चिन्हट निवासी आदेश के साथ मामूली विवाद हुआ था। दोनों ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस बुला ली। पुलिस आई और उसके बेटे को रात को करीब 10 बजे पकड़कर चिन्हट थाने ले गई। रात करीब 11 बजे उन्होंने अपने बड़े बेटे को थाने भेजा। पुलिस ने उसे भी लॉकअप में बंद कर दिया और कहा कि तुमने शराब पी रखी है। उनका आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष के लोगों को छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी आदेश के चाचा नेता हैं। उन्होंने कहा था कि पुलिस में हमारी अच्छी पकड़ है, इन लोगों को थाने ले जाओ, वहीं खत्म करवा देंगे। तो वहीं पुलिस प्रशासन इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मोहित की मौत अस्पताल ले जाने के बाद हुई थी और वो इस मामले की आगे जांच कर रहे हैं। अभी हम लोग पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जांच करके कार्रवाई कोई जैसा होगा आपको अवगत कराएंगे। किस मामले में हिरासत में लिया गया था उनको, कुछ जानकारी सर? ये वाद विवाद का, दोनों दो पक्षों में वाद विवाद का मामला था। जो भी पता चला है कि दो पक्षों में वाद विवाद का मामला था, ये प्रकरण लेके थाने पे आए थे और कुछ शांति भंग की आशंका में। पुलिस कस्टडी में मौत हुई है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था? कोई अभी ऐसा बताया गया, वहाँ से लेने आने के बाद, वहाँ से ले जाने के बाद पुलिस हॉस्पिटल में आने के बाद हिरासत में कब लिया गया था? अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या है जो लोकल पुलिस ने आपको शेयर की है कि कैसे विवाद हुआ था, कौन लोग? अभी पूरी जानकारी हम आपको करके फिर आपको बता पाएंगे। अभी कार्रवाई करते हैं, पूरी बार आपको अवगत कराएं। जिस व्यक्ति की मौत हुई सर, उसका प्रोफाइल, नेम, एज क्या है, कौन है? अभी मोहित नाम का आदमी है जो 32 साल का है और इनका कुछ बात हुआ था। इसकी हम लोग जाँच कराएंगे, इसकी हम लोग देखेंगे, जाँच करेंगे, पूरी कार्रवाई फिर आपको अवगत करेंगे।
बता दें कि प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौत के मामले थम नहीं रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में पुलिस हिरासत में 501 मौतें हुई, जबकि इससे पहले यानी 2020-21 में हिरासत में मौत के 451 मामले दर्ज किए गए। इसी साल मई महीने में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चिपियाना चौकी में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। पुलिस चौकी में उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। अब राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया है।